सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। सो गाइस, आज का वीडियो और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक भाई वॉच कर लेना, काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। क्या आपने कभी घोस्ट देखा है? तो इसमें यार बहुत सारे बंदे होंगे, भाई घोस्ट होता ही नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे भाई मैंने देखा है, और कुछ बोलेंगे भाई नहीं घोस्ट होता ही नहीं है। एंड मेरे से पूछोगे यार तो मैं बोलूँगा भाई घोस्ट होते हैं, लेकिन देखा तो मैंने भी नहीं है। तो भाई आप बोलोगे यार फिर कैसे बोल सकते हो कि घोस्ट होते हैं? तो गाइस देखो, आवाज भी होते हैं लेकिन भाई उसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन घोस्ट भी इसी तरह से होंगे, शायद से होंगे लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। तो भाई मैंने तो देखा नहीं है, तो उसे यार बताने वाला हूँ। तो यार मेन टॉपिक आता है, क्या फ्री फायर के अंदर घोस्ट है? तो इसका आंसर है भाई नहीं, फ्री फायर के अंदर कोई भी घोस्ट नहीं होता है। तो आप बोलोगे भाई इस तरह से वीडियो क्यों बनाते हैं जो कि घोस्ट वाले होते हैं? सो गाइस देखो, वो सारे यार होते हैं घोस्ट ही, लेकिन वो होते हैं ग्लिचेस और बग जो कि गेम के ही होते हैं। और कोई सा भी गेम ले लो, चाहे बड़ा से बड़ा GTA 5 ही ले लो, उसमें भी यार बग्स होते हैं। तो ये हमारा फ्री फायर है, इसमें भी बग्स होते हैं। तो कोई भी गेम ले लो यार, बग और ग्लिचेस उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यार फ्री फायर के अंदर कुछ बग ऐसे ही होते हैं भाई, उसे घोस्ट बोलना पड़ता है यार, क्योंकि वो ग्लिचेस होते ही भाई ऐसे हैं, नॉर्मल ग्लिचेस से कुछ बहुत ज़्यादा अलग, पूरी घोस्ट की तरह, इसीलिए उसे घोस्ट बोलना पड़ता है। तो उसी तरह से मैं आपको कुछ ग्लिचेस दिखाने वाला हूँ, तो यार वीडियो को एंड तक, तो चलो दिखाते हैं आपको कुछ घोस्ट ग्लिचेस। तो गाइस फर्स्ट भाई देख सकते हो, ये मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है, और गाइस देखो साथ में उसके साथ एक पंचिंग वाला को इमोट कर रहा है। अब अगर भाई इसे देखोगे आप तो आप इसे क्या बोलोगे यार, घोस्ट ही तो बोलोगे ना। देखो क्योंकि मैं खड़ा हूँ, मेरा फ्रेंड भी खड़ा है, और पीछे से कोई घोस्ट वाला इमोट, जो पंचिंग वाला इमोट है वो कर रहा है। भाई देखो वहाँ कोई है भी नहीं लेकिन वो इमोट कर रहा है, तो आप इसे क्या कहोगे, घोस्ट ग्लिच से कहोगे ना। भाई देखो यहाँ पर पूरा घोस्ट की तरह देखने को लग रहा है भाई, इसलिए घोस्ट बोलना पड़ता है यार। देखो ऐसे ग्लिचेस होते ही हैं भाई, पूरी घोस्ट वाले जो लग रहा है भाई, पीछे से कोई आत्मा या भूत है पता नहीं क्या, वो पंच वाला इमोट कर रहा है। देखो यहाँ पे अब पूरा घोस्ट की तरह देखने को मिल रहा है। अगर इसे नॉर्मली बोलोगे तो यार ये लगेगा घोस्ट ही है, लेकिन भाई ये घोस्ट नहीं है, ये भी है एक ग्लिचेस जो कि आप भी कर सकते हो। तो कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो देखो इस तरह से कुछ हो रहा है, तो इसे करने के लिए क्या करना होगा, आपके दो फ्रेंड को यहाँ पर ऐड कर लेना, और भाई उसे बोलना कोई भी एनिमेशन वाला इमोट करने के लिए। उसके बाद अपने इवेंट वाले सेक्शन पे, जैसे ही करेगा इमोट इवेंट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना, एंड बोलना उसे छोड़ देने के लिए। उसके बाद देखो यहाँ मैजिक आपके साथ भी ये घोस्ट वाला ट्रिक हो जाएगा। देखो सो है तो ये ग्लिचेस, लेकिन भाई देखने में लग रहा है कि ये घोस्ट ट्रिक है। सो ये हमारा फर्स्ट हुआ, चलो अब नेक्स्ट दिखाते हैं। तो भाई ये रहा, देखो ये तो आपको नॉर्मली देखने को मिल रहा होगा, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और अभी देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला भाई, घोस्ट ट्रिक। तो ये मैंने सर्वर ऑन किया और भाई डबल टैप किया, उसके बाद गेम को मिनिमाइज कर दिया। तो ये तो भाई देखने में लग रहा है पूरा नॉर्मली यार, इस पर तो कोई घोस्ट ट्रिक है ही नहीं। तो भाई देखो तो अभी मेरे स्क्रीन पर भाई इस तरह से पूरा नॉर्मल है, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, कुछ अलग सा देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन चलते हैं अपने फ्रेंड का व्यू में, उसमें देखते हैं क्या देखने को मिलता है। एंड सी देखो, ये मेरा फ्रेंड का व्यू, और मैंने ऊपर से सर्वर ऑन किया, और गाइस देखो हवा में मैं ऊपर ही रह गया भाई, नीचे आया ही नहीं। देखो अब इसे कोई भी नॉर्मली बंदा देखेगा इधर से तो वो यार हैकर ही समझेगा या फिर घोस्ट ही समझेगा, दोनों में से कुछ भी। भाई देखो ऊपर हवा में ही अटका हुआ है, और वो भी पूछेंगे भाई ये कैसे हुआ यार, तूने हवा में कैसे जंप कर लिया ऊपर से? वो नीचे आएगा ही नहीं जब तक मैं गेम को वहाँ मिनिमाइज कर रहा हूँ, तो जब तक मैं वहाँ पर नीचे ओपन गेम को नहीं करता तब तक ये नीचे नहीं आने वाला, कितना देर भी ये रह सकता है हवा में ही। तो इसे अगर नॉर्मली कोई भी देखेगा तो वो सोचेगा भाई ये तो घोस्ट ही है या फिर ये हैकर ही है जो इस तरह से हवा में उड़ रहा है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह से पॉसिबल नहीं है। और भाई लेकिन ये है तो ग्लिचेस जो कि आपको मैंने दिखा दिया किस तरह से होता है, लेकिन जिसे नहीं पता वो तो यार वही समझेगा हैकर या फिर कोई घोस्ट। तो ये तो आपने देख लिया भाई, अब चलो तो दिखाते हैं थर्ड ट्रिक, यार वो भी बहुत ज़्यादा भाई खतरनाक है। एंड यहाँ पर देखो एक आपको आईडी देखने को मिल रहा होगा, ये नॉर्मली है, आईडी किसी का भी होता है। सो यहाँ पर देखो मैं जैसे उसे इंसेप्ट करता हूँ भाई, अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा ब्लैंक भाई, कुछ तो दिखाना चाहिए ना। देखो यहाँ पर लाइक प्रोफाइल कुछ भी नहीं दिख रहा है इसका, पूरा का पूरा ब्लैंक। जैसे उस पर किले को इंसेप्ट करोगे आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और आप इसे भाई खोलोगे घोस्ट या फिर हैकर बोल सकते हो कि इसका आईडी क्यों नहीं दिखा रहा है, लेकिन ज़्यादा भाई बोलते हैं घोस्ट ही है। देखो यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, देख रहे हो घोस्ट आईडी।
तो ये भी यार एक ग्लिचिस है जो कि गरीना की तरफ से हुआ है इस बंदे के आईडी पे, और बहुत दिन से भाई इस तरह से ग्लिचिस में देखने को मिल रहा है, लेकिन गरीना ने पता नहीं अभी तक इसके बग को फिक्स क्यों नहीं किया। लेकिन जैसे इसका आईडी इंसेप्ट करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ भी आईडी में शो नहीं करेगा, देखो पूरा ब्लैंक देखने को मिलेगा, और भाई इसे आप बोलोगे घोस्ट का आईडी है। सो अगर आप चाहो तो भाई देख सकते हो, देख लो यहाँ पर आईडी 8x5 लिखना आपको ये आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वाले देखो, ये यार और भी ज़्यादा खतरनाक है। अब देखो इस वाले रिंग पे गन लेके आना भाई पॉसिबल तो नहीं, आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर भी इस बंदे ने गन लेके आ चुका है। अब इसे अगर नॉर्मली जो फाइट कर रहा है बंदा वो देखेगा तो वो बोलेगा भाई गेम के अंदर हैकर आ गया है या फिर घोस्ट आ गया है, क्योंकि रिंग के अंदर फाइटिंग जो है वहाँ पर फाइट लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे गन वेपन सब कुछ लेके अंदर वो जा चुका है। अब जो नॉर्मली बंदा अंदर होगा तो वो तो वही सोचेगा भाई ये हैकर है या फिर घोस्ट ही है, क्योंकि गन लेके अंदर जाना भाई पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन ये बंदा फिर भी अंदर गन लेके सब कुछ लेके चला गया और भाई इजीली उसे किल भी कर सकता है, मार भी सकता है। सो ये भी एक ग्लिच है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है रिंग जोन पे, और यहाँ पर भाई देखो ये ज्वाइन बटन और ऊपर में देखने को मिल रहा होगा एग्जिट बटन, दोनों को सेम टाइम पे क्लिक करना तो कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा भाई। कैंसिल का बटन और कंफर्म का बटन रिंग के अंदर देखने को मिलेगा तो समझो आपका ट्रिक काम कर गया। उसके बाद आप कंफर्म कर देना, जैसे कंफर्म करते हो तो आप चले जाओगे यहाँ पर जहाँ गन वाले गन बाय करते हैं, उसके बाद फिर से ब्लू सर्कल पे आके आपको फिर से चले जाना है सोशल जोन पे। और यहाँ पे आने के बाद आपको फ्रेंड को क्या बोलना है, आप रिंग के अंदर चले जाओ। एंड जैसे वो रिंग के अंदर जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपने आप रिंग के अंदर चले जाओगे। तो देखो मेरा फ्रेंड चल गया रिंग के अंदर और आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी देर बाद अपने आप रिंग के अंदर चले जाओगे, वो भी गन के साथ में। देखो तो है ना भाई इजी ट्रिक, लेकिन है तो यार घोस्ट ट्रिक, क्योंकि इसे आप घोस्ट बोल सकते हो या फिर हैकर ट्रिक भी बोल सकते हो, लेकिन ये सारे होते हैं भाई गेम के ग्लिचेस ही जो कि आपको हैकर या फिर घोस्ट बना देते हैं। सो इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्लिचेस हैं, बग हैं, जो कि यार देखने में आपको पूरा घोस्ट के रूप देखने को मिलेगा, लगेगा ऐसा भाई कि एक तो एक घोस्ट ही है जो कि फ्री फायर के अंदर आ गया है, लेकिन सारे के सारे भाई कोई ऐसा घोस्ट नहीं होता गेम के अंदर, वो सभी होते हैं ग्लिचेस। सो आज का वीडियो यार आपको कैसा लगा भाई कमेंट में जरूर बताना। एंड गाइस अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना भाई, जाते जाते चैनल को यार देख लेना आपने यार सब्सक्राइब किया है कि नहीं, काफी सारे बंदे यार वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते भाई, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार याद से सब्सक्राइब कर दो।